नमस्कार बच्चों वेरी गुड इवनिंग कैसे हो आप सभी लोग all good, all well? कैसी चल रही है तैयारी मजा आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में सब अच्छा तो आज का बच्चे जो हमारा सेशन हो रहा है गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को मेरा बहुत बहुत गुड इवनिंग आज का बच्चे जो हमारा सेशन होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्योंकि आज हम लोग फेडरल सिस्टम को समझेंगे

इन सब को समझने की कोशिश करेंगे फिर हम लोग दो लीडिंग केसेस पढ़ेंगे जिस जो इलेबोरेट करेंगे कि पिथ सब्सटेंस की क्या है क्या है और कैसे वर्क करती है फिर फाइनली हम लोग एमसीक्यूज पे जंप करेंगे जहां पे हम लोग टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो भी कुछ हमने पढ़ा इस पूरे पचास पचपन मिनट में वो कितना कारगर रहा और एमसीक्यू आज अच्छे स्टैंडर्ड के हैं जैसे कल थे तो तैयार रहिएगा उनके लिए भी ठीक है समझ में आ गया कि आज क्या क्या एजेंडा होने वाला है तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन अब जैसा कि पता है हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं और लेक्चर एट पे आ गए हैं और हमारी एम पी किताब जिसको बेस बना के हम लोग ये सीरीज को कंडक्ट कर रहे हैं उसका पेज 531 से लेके 727 तक आज कवर हो जाएगा तो लगभग लगभग सत पेजेस हमने इस बुक के कवर कर लिए हैं कंटेंट वाइज ठीक है आप देखो अगर हम लोग सेशन शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए और काफी अच्छी खुशी की बात है कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो बैच एट हमने लॉन्च किया था जो शुरू होने वाला है ट्वेंटी ऑफ मार्च को काफी क्लोज होली के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने एक स्पेशल डिस्काउंट लॉन्च किया है यही कोर्स जो आपको चौबीस हजार का मिल रहा था यही आपको ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन नाइनटी नाइन में मिल जाएगा बाकी के फीचर्स वगैरह सब सेम है वन ईयर की वैलिडिटी है मेंटोरशिप का प्रोग्राम है सारे मेजर माइनर सब्जेक्ट्स कवर होंगे लैंग्वेज पेपर कवर होंगे एवरीथिंग मतलब हर वो चीज जिसकी प्रिपरेशन के लिए जरूरत होती है वो सब कुछ इस कोर्स में कराया जाएगा मात्र बाईस हजार रुपए में ठीक है तो काफी अफोर्डेबल है और सबसे अच्छी बात क्या है इसकी जो क्लासेस होंगी ना बच्चे वो शाम को चार बजे से होंगी चार बजे से लेकर आठ बजे तक आप फ्री आप कॉलेज जाते हो आप जॉब जाते हो आप आसानी से मैनेज कर लोगे सो इफ यू आर इंटरेस्टेड जरूर इसका पार्ट बने इसको जरूर ज्वाइन जौर करें जब आप ज्वाइन करें तो इस कोड को यूज करना मत बोलिएगा ए बी एच आई एल आई वी ई इससे दो फायदे होंगे एक तो फायदा ये होगा कि आपको डिस्काउंट मिलेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं दूसरा फायदा ये होगा कि आप मेरी मेंटोरशिप में आ जाओगे तो अगर आप चाहते हो कि मैं गाइड करूं आपको प्रिपरेशन में तो ये कोड को भूलना मत ठीक है भूलना मत इसको यूज करना और तभी को उसको लेना जिससे मैं आपके साथ बना रहा हूं आपके सफर में चलो अब बात करते हैं आज के सेशन की शुरू हो जाओ अब जैसा मैंने आपको बोला कि आज का जो सेशन होने वाला है हम समझने वाले हैं रिलेशनशिप को यूनियन के और स्टेट्स के और ये जो पूरा डिस्कशन है हमारा आज का ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट इलेवन से निकल के आता है याद रखना पार्ट इलेवन से और आर्टिकल्स टू फोर्टी थ्री तक क्यों बताता हूं आपको शुरू में? आपके दिमाग में बात है अगर एग्जाम में एग्जैक्ट आर्टिकल याद नहीं भी आ रहा है और आप इस तरीके से भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है ठीक है तो हम क्या क्या कवर करेंगे सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशंस को समझेंगे इसमें आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक का डिस्कशन होगा फिर हम लोग मूव करेंगे बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पे यहां पे जो हमारा डिस्कशन होगा वो 256 से 263 का होगा और फाइनली हम जाएंगे फाइनेंशियल रिलेशन पे जिसका डिस्कशन 264 से लेकर 293 तक रहता है ठीक है तो फटाफट से शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन के साथ और लेजिस्लेटिव रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे टॉपिक का क्वेश्चन बनता ही बनता है 100 मैं कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन आएगा आएगा ही आएगा. में तो आएगा ही आएगा कोई डाउट ही नहीं है Means में भी आएगा ठीक है तो बहुत ध्यान से पढ़ना समझने की कोशिश करना कोई इंपॉर्टेंट बात लिखे तो नोट भी कर लेना पर पूरा ध्यान मेरी तरफ रहे कि समझ में आए मैं जो कह रहा हूं वो बात आपको अंडरस्टैंड ठीक है देखो आर्टिकल 245 जो सबसे पहला आर्टिकल है उसको समझना यहां पे बोला जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है अगर वो चाहे तो जो हमारी पार्लियामेंट है अगर वो चाहे तो कानून बना सकती है हमारे पूरे देश के लिए पूरी कंट्री के लिए या फिर उसके किसी भी भाग के लिए किसी भी टुकड़े के लिए ठीक है पहली बात अब देखो फेडरल सिस्टम ये जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं फेडरल उसका एसेंस यहीं देखने को मिलेगा देखो पार्लियामेंट एक ऐसी लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसके कंट्रोल में पूरा देश आता है पूरी कंट्री आती है उसके टेरिटरी का हर एक कोना आता है कश्मीर टू कन्याकुमारी ठीक है हर एक कोना फॉर दैट रीजन ये जो पार्लियामेंट है इसकी जो लॉ मेकिंग पावर होती है टेरिटरी वाइज अगर देखें वो पूरे भारत देश तक जाती है तो अगर कोई पार्लियामेंट कानून बना रहा है तो वो लागू हो सकता है पूरे भारत के क्षेत्र के ऊपर पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर कानून जो पार्लियामेंट बन, बनाएगा वो पूरे भारत के क्षेत्र पर ही होगा नहीं ऐसा जरूरी भी नहीं है अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसको स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक टेरिटरी के बारे में भी बना सकता है कि केवल इस राज्य में लागू होगा या इन दो में लागू होगा ऐसा भी पॉसिबल है तो दोनों सिचुएशन हो सकती है कि पार्लियामेंट का लॉ पूरी टेरिटरी पर भी लागू हो या किसी स्पेसिफिक पार्ट पे लागू हो अब इसी को इंटरिलेट करो इस दूसरी बात से दूसरी बात है कि ये जो हमारा राज्य है जो हमारे राज्य हैं देश में उनकी जो विधायिकाएं हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं काउंसिल्स हैं उनकी जो जिम्मेदारी है कानून बनाने की या उनकी जो पावर है लॉ बनाने की वो एक्सटेंड होती है उस केवल राज्य तक जिस राज्य की वो विधायिका है या फिर उस राज्य के किसी टुकड़े तक मतलब कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट की वो जो लॉ बनाएगी वो लागू होगा या तो उस राज्य के पूरे क्षेत्र में जो भी टेरिटरीज हैं उस स्टेट की जैसे यूपी का अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसका लॉ पूरे यूपी में लागू होगा या फिर यूपी के किसी पार्ट में लागू होगा उस स्टेट के किसी पार्ट में लागू होगा तो टेरिटरी वाइज अगर देखें तो पार्लियामेंट का लॉ पूरे इंडिया पे लागू हो सकता है या फिर इंडिया के किसी पार्ट पे लागू हो सकता है और स्टेट का जो लो है वो पूरे स्टेट के किसी भी एरिया पे लागू हो सकता है या फिर उसके किसी पार्ट पे लागू हो सकता है ये दो बातें समझना आप लोगों का सबसे ज्यादा जरूरी है अभी मैं टेरिटरी वाइज बात कर रहा हूं ठीक है अब एक बात सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर कोई भी कानून ध्यान से सुनना पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है तो किसी भी परिस्थिति में हम उसको इनवैलिड नहीं बोल सकते कभी भी किस आधार पर इस आधार पर कि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है ये सुनने में आपको बड़ा लगेगा कि इसका मतलब क्या है बहुत सिंपल सी बात है और वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में करी थी मैंने क्या बोला था कि पार्लियामेंट का जो पावर है लॉ बनाने का वो पूरे इंडिया के संबंध में है तो इस परिस्थिति में अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना भी रहा है वो परफेक्टली वैलिड माना जाएगा वो चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट के बारे में हो चाहे इंडिया के पूरे इंडिया के बारे में हो और कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं ले सकेगा इस आधार पर कि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो रहा है ये ऑब्जेक्शन स्टेट के खिलाफ लिया जा सकता है जैसा अभी मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा ना पिथेन सब्सटेंस की वहां पे हम इस बात को डिस्कस करेंगे तो अगर कोई राज्य है और उसकी विधायिका कोई कानून बना रही है पर उसका प्रभाव राज्य से बाहर जा रहा है किसी दूसरे राज्य पे पड़ रहा है उसका प्रभाव कानून इसने बनाया उस कानून का प्रभाव इस पर रहा है तो इस कानून के खिलाफ ऑब्जेक्शन ले सकते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के आधार पर पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ ऐसा ऑब्जेक्शन अवेलेबल नहीं होता ठीक है समझ में आ गई ये वाली बात और बढ़ते आगे तो आर्टिकल 245 ने बेसिकली टेरिटरी वाइज डिवाइड कर दिया पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को और स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर्स को फिर आता है हमारा मेन मुद्दा जो कि है आर्टिकल 246 इस आर्टिकल को तो आप बिल्कुल पी जाओ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है ध्यान से सुनना बच्चे लैंग्वेज में ही सब कुछ होता है पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कानून बनाने की लॉ बनाने की उन मैटर्स के संबंध में जो मैटर्स यूनियन लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं जिसको हम प्यार से बुलाते हैं लिस्ट वन यूनियन लिस्ट का नाम क्या है दूसरा नाम क्या है लिस्ट वन अब ये लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको समझते हैं देखो बच्चे टेरिटरी वाइज तो समझना बहुत आसान है कि हमने बोल दिया कि पार्लियामेंट का कानून पूरे भारत पर लागू हो सकता है और राज्य का कानून उस राज्य पर लागू होगा वो तो समझ में आ गया पर बच्चे केवल ये आधार नहीं है लेजिस्लेटिव पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का केवल ये आधार नहीं है एक और बहुत महत्वपूर्ण आधार है। कि कौन से सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कौन कानून बनाएगा पार्लियामेंट बनाएगी या फिर स्टेट बनाएगी तो जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जितने भी एरिया हो सकते हैं कि इसके ऊपर कानून बनाना इसके ऊपर कानून बनाना जैसे एग्रीकल्चर हो गया जैसे डिफेंस हो गया जैसे टेक्नोलॉजी हो गई जैसे फूड हो गया ऐसे हजारों सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिनके ऊपर कानून बनाए जा सकते हैं हमारा आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7 क्या करते हैं उन सब्जेक्ट मैटर्स को डिवाइड कर देते हैं केंद्र में और राज्यों में कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो लिखे हुए यूनियन लिस्ट के अंदर उन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर जो कानून बनाने की आधिकारिकता है वो केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है उन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर कोई भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली कानून नहीं बना पाएगी ऐसा भी कानून जो केवल उस राज्य में लागू हो वो भी नहीं बना पाएगी क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसके बारे में केवल पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने की इसी तरीके से इसी तरीके से जो सब्जेक्ट मैटर्स स्टेट लिस्ट में लिखे हुए हैं और स्टेट लिस्ट का दूसरा नाम क्या है लिस्ट टू उनके बारे में कानून बनाने की पावर केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेचर के पास है और मैं ये केवल केवल शब्द क्यों कह रहा हूं इस एक्सक्लूसिव शब्द की वजह से मतलब स्टेट लिस्ट के संबंध में केवल राज्यों के पास पावर है सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर कानून बनाने की केवल राज्यों के पास और इसके संबंध में यूनियन लिस्ट के संबंध में जिसको हम प्यार से लिस्ट बोलते हैं उसके संबंध में केवल पार्लियामेंट के पास पावर है तो पहले हमने टेरिटरी के आधार पर लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया अब हम लोग सब्जेक्ट मैटर के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर्स को ठीक है क्लियर है अभी तक तो काफी आसान लग रहा होगा आप लोगों को चलो ठीक है एक लिस्ट है लिस्ट वन जिसपे पार्लियामेंट कानून बनाएगी उस सब्जेक्ट मैटर्स पे एक है स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट लैजर बनाएगी पर इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी बच्चों जब हम तीसरी लिस्ट की बात करेंगे जिसका नाम होता है कंकरेंट लिस्ट इसको प्यार से बोलते हैं लिस्ट थ्री लिस्ट थ्री कंकरेंट लिस्ट ये कौन सी लिस्ट है इसमें क्या होगा बच्चे ये एक ऐसी लिस्ट है कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए हैं उनके संबंध में ध्यान से सुनना पार्लियामेंट के पास भी पावर है कानून बनाने की और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके पास भी पावर है कानून बनाने की अब आप सोचोगे सर ये कैसे हो जाएगा ये कैसे हो जाएगा लड़ाई नहीं हो जाएगी झगड़ा नहीं हो जाएगा ओवरलैप नहीं हो जाएगा कि एक ही सब्जेक्ट मैटर्स को आप पार्लियामेंट को भी पावर दे रहे हो और स्टेट को भी पावर दे रहे हो तो याद रखना ये बात वैसे अभी आगे आएगी पर अभी बता देता हूं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए हैं उसके संबंध में पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है पर अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनी कि एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पार्लियामेंट ने भी कानून बना रखा है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी कानून बना रखा है और इन दोनों कानूनों में कोई क्लैश हो रहा है मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध जा रही हैं अगर सारी बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है चाहे स्टेट वाला मानो चाहे पार्लियामेंट वाला मानो दोनों की बात एक ही कही जा रही है परेशानी कब आएगी जब क्लैश होगा तो अगर ऐसा है कि एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में दोनों ने कानून बना रखा है पार्लियामेंट ने और स्टेट लेजिस्लेचर ने और दोनों में क्लैश भी हो रहा है तो हमेशा याद रखिएगा नियम यह है कि जो पार्लियामेंट वाला कानून है वो माना जाए तो भले ही कंक्रेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर पावर दोनों को दी पावर हमने दोनों को दी पर एट द सेम टाइम सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की, की है अगर क्लैश होता है तो ठीक है समझ में आया तीनों लिस्ट का कॉन्सेप्ट तो अगर समझने की कोशिश करें तो लिस्ट वन जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं उसके बारे में केवल पार्लियामेंट कानून बनाएगी लिस्ट टू जिसको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं उसके बारे में केवल स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा और लिस्ट थ्री जिसको हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं उसके बारे में पार्लियामेंट भी बना सकता है स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है पर क्लैश की स्थिति में पार्लियामेंट वाला कानून जो है बच्चों वो माना जाएगा बिल्कुल सही अब देखो ये वाली बात को समझने की कोशिश करो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसको देख के बच्चे घूम जाते हैं क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कानून बनाने की किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में अगर वो कानून किसी ऐसी टेरिटरी पर लागू होगा ध्यान से सुनना ऐसी टेरिटरी पर लागू होगा जो किसी राज्य के अंदर नहीं आती है किसी राज्य के अंदर नहीं आती है भले ही वो मैटर स्टेट लिस्ट में क्यों ना गिरता हो अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशन बढ़ाए जा रहे हो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ी है थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है मैंने अभी क्या बोला कि भाई जो यूनियन लिस्ट है पार्लियामेंट लॉ बनाएगा स्टेट स्टेट लिस्ट है लॉ बनाएगा यही तो बताया पर मानो बेटा कोई एक ऐसी टेरिटरी है कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो स्टेट के अंदर नहीं आता सोचो कौन सी टेरिटरी होगी जो स्टेट के अंदर नहीं आएगी यूनियन टेरिटरी तो मानो कोई यूनियन टेरिटरी है जो किसी राज्य के अंदर नहीं आ रही और उस यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं कानून बनाने के लिए तो फिर कौन कानून बनाएगा उन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में जो स्टेट लिस्ट में लिखे हुए हैं कौन बनाएगा आप भी सोचो ना हमने क्या बोला है? स्टेट लिस्ट के बारे में सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में कौन कानून बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर पर अगर किसी टेरिटरी के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर है ही नहीं तो फिर क्या सिचुएशन होगी कि पार्लियामेंट को ही हम पावर देंगे कि उन मुद्दों के बारे में भी जो भले ही स्टेट लिस्ट में गिर रहे हों वो कानून बनाए क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर है ही नहीं लॉ बनाने के लिए उस टेरिटरी के संबंध में तो इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई भी ऐसी टेरिटरी है जो स्टेट के अंदर नहीं आती है उस टेरिटरी के संबंध में पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स भी कानून बनाती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी कानून बनाती है और कंकरेंट लिस्ट के भी सब्जेक्ट मैटर्स पे कानून बनाती है ये जो वाली स्थिति होती है ना यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट तब आती है पिक्चर में जब वो जो क्षेत्र है जिसके बारे में कानून बन रहा है वो किसी राज्य के अंदर गिर रहा है और राज्य में विधायिका बैठी हुई है तब आता है वो खींचतान वाला सिचुएशन ठीक है इस बात को बच्चे कभी मत भूलना और इस बात को एग्जाम में लिख के आना जल्दबाजी में भूल जाते हो नहीं लिख के आते हो इस चीज को आप लोग ठीक है अब देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे लेके जा रहा हूं आर्टिकल 248 इसको ध्यान से सुनना यहां पे बोला जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है कानून बनाने की उन मैटर्स से संबंधित जो मैटर्स ना ही स्टेट लिस्ट में लिखे हैं ना ही कंकरेंट लिस्ट में लिखे हैं इसको बोलते हैं हम लोग प्यार से रेसिडुअरी पावर ये बहुत बड़ी पावर है इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं देखो बच्चे ये बात ठीक है कि हमने एक मैटर्स की लिस्ट बनाई उन मैटर्स को बांट दिया तीन टुकड़ों में कुछ चले गए यूनियन लिस्ट में कुछ चले गए स्टेट लिस्ट में कुछ चले गए कंकरेंट लिस्ट में पर बच्चे हम भगवान तो है नहीं ना ही हम फ्यूचर देख सकते हैं हमें नहीं पता कि आगे चल के कितने सारे नए नए मुद्दे निकल के आएंगे जो अभी नहीं है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से साइंस की एडवांसमेंट की वजह से आ, और किसी परिस्थिति में बदलाव की वजह से आज वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट नहीं करते पर फ्यूचर में करेंगे तो वो जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो कल को अराइज होंगे और वो ही बात है क्योंकि कल को अराइज होंगे तो ना ही यूनियन लिस्ट का पार्ट होंगे ना ही स्टेट लिस्ट का पार्ट होंगे ना ही कंकरेंट लिस्ट का पार्ट होंगे तो ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में कौन कानून बनाएगा तो हमेशा याद रखना इसको बोलते हैं हम लोग रेसिड्यूरी पावर आर्टिकल 248 के अंदर और ये पावर हमने पार्लियामेंट को दी है तो अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर अराइज हो जाए कल को फ्यूचर में जो ना ही यूनियन लिस्ट में है ना ही स्टेट लिस्ट में है ना ही कंकरेंट लिस्ट में है और यूनियन में होने ही ना होने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूनियन में होगा तो भी पार्लियामेंटी लॉ बनाएगी मेन है स्टेट और कंकरेंट लिस्ट तो अगर ऐसा कोई भी मुद्दा है जो ना ही स्टेट लिस्ट में है ना ही कंकरेंट लिस्ट में है तो आप समझ लेना ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल उस सब्जेक्ट मैटर के संबंध में कानून बनाने की जो पावर होगी वो बच्चे किसके पास होगी किसके पास होगी पार्लियामेंट इसको बोलते हैं हम लोग रेसिड्यूट क्लियर है याद रखना इस बात को अब देखो हम लोगों ने ये जो डिवीजन और सब्जेक्ट मैटर्स पढ़ा ना हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि लड़ाई झगड़ा ना हो पूरी कोशिश करी और सब्जेक्ट मैटर्स को डिवाइड भी किया डिवाइड भी किया पर फिर भी फिर भी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं बच्चे जहां पे क्लैश हो जाता है क्लैश कब होगा क्लैश ऐसे होगा कि मानो स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया और वो ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में बनाया जो स्टेट लिस्ट में ही है फॉर एग्जाम्पल पर वो जो कानून है वो उसका प्रभाव ऐसा है कि वो उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर से बाहर जा रहा है और ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे जा रहा है जिसके बारे में पावर बना जो कानून बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास है ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि देखो बच्चे एक एक तो तो होता है है कानून कानून बनाना और हम किस मोटिव से बना रहे हैं एक तो वो चीज है। पर जब कानून लागू होता है रियल वर्ल्ड में तो उसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं कई कॉन्सिक्वेंसिस आपने एक्सपेक्ट किए होते हैं कई नहीं किए होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमको देखना पड़ता है कि कानून बना के सब्जेक्ट मैटर पर पहला पॉइंट तो वही है और उसका जो इफेक्ट है उसका जो प्रभाव है वो किन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर जा रहा है कहीं वो वो सब्जेक्ट मैटर्स तो नहीं है जिसके ऊपर पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की या फिर पार्लियामेंट अगर बना रही है तो स्टेट के पास पावर है लॉ बनाने की कोई ऐसी परिस्थिति तो तो नहीं है ऐसी अगर कभी भी सिचुएशन हो तो हमारे पास ये बहुत बढ़िया तरीका है इस डिस्प्यूट को इस उलझन को खत्म करने का इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्री ऑफ पिथ एंड सबस्ट क्या बोलते हैं बच्चों फिर से रिपीट करो मेरे साथ डॉक्टरीन ऑफ पिथ एंड सबस्टांस इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि हम हमेशा किसी भी कानून का ऑब्जेक्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट का मतलब है उद्देश्य देखेंगे और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे उसका स्कोप स्कोप मतलब उसका दायरा उसका प्रभाव कितना बड़ा है अब ये डॉक्टरीन कहती क्या है ये कहती आप किसी भी कानून का ऑब्जेक्ट देखो और स्कोप देखो और उसके बाद देखो कि जिस भी विधायिका ने उस कानून को बनाया है वो कानून उसकी कॉम्पिटेंस में गिरता है या नहीं उसका ऑब्जेक्ट देते हुए उसका स्कोप देखते हुए अब ये बात समझना बहुत जरूरी है देखो बच्चे वैसे नॉर्मली कोई भी लेजिस्लेचर चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वो पार्लियामेंट हो जान पूछ के ऐसी कोशिश नहीं करेगी कि वो कोई ऐसा काम करे कि उसके द्वारा बनाया गया कानून कल को इनवैलिड करार हो अपनी तरफ से ऐसी कोशिश तो नहीं करेगी पर फिर भी जैसा मैंने आपको बताया रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन अराइज हो जाती हैं कई बार ऐसे कॉन्सिक्वेंसिस अराइज हो जाते हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं तो हम किसी भी लॉ को जब एनालाइज करेंगे कि वो वायलेट कर रहा है क्या ये लिस्ट वाला प्रिंसिपल तो हम देखेंगे कि उस कानून का ऑब्जेक्ट क्या है स्कोप क्या है ऑब्जेक्ट मतलब किस उद्देश्य के साथ उस कानून को बनाया गया और जब वो कानून लग, लागू हो रहा है तो उसका स्कोप क्या है, उसका प्रभाव का रेंज क्या है इन दोनों को देखते हुए ही हम लोग फैसला लेंगे कि, कि किसी विधायिका ने नियम तोड़ा है या नहीं ठीक है इन दोनों ही चीजों को एनालाइज करके हम ये फैसला लेंगे जस्ट बिकॉज किसी भी कानून का छोटा मोटा प्रभाव थोड़ा बहुत प्रभाव बहुत बड़ा नहीं थोड़ा बहुत अन, हो रहे हैं किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो दूसरी विधायिका के पास पावर है तो केवल इस वजह से हम किसी कानून को इनवैलिड नहीं कर देंगे क्योंकि ऐसा अगर हम इनवैलिड करने लगे तो, तो कोई कानून बचेगा ही नहीं ऐसे हजारों कानून है जो पार्लियामेंट बनाती है उन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर जो यूनियन लिस्ट में है जिनका प्रभाव छोटा मोटा प्रभाव उन सब्जेक्ट मैटर्स पे पड़ता है जो स्टेट लिस्ट के अंदर है समझ रहे हो ऐसा होता है ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है ऐसे ही हजारों कानून है जो स्टेट की लेजिस्लेचर बनाती हैं जिनका छोटा मोटा प्रभाव उन सब्जेक्ट मैटर्स पे पड़ता है जिनके ऊपर पावर है पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की तो अगर हम लोग ऐसे वॉटर टाइट कंपार्टमेंट करने लगे कि क्रॉस कर ही नहीं सकते है वो, फिर तो कोई कानून बचेगा ही नहीं इसलिए डॉक्टरीन काम आती है हमको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है स्कोप क्या है अगर ऑब्जेक्ट ही ऐसा है कि दूसरे की हम लोग सब्जेक्ट मैटर में घुस रहे हैं जान पूछ के तो उस तो कानून को हटाना ही पड़ेगा या फिर प्रभाव पड़ रहा है वो इतना ज्यादा पड़ रहा है कि अलाउ करना मुश्किल है नहीं करा जाना चाहिए अलाउ इतना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो भी उसको इनवैलिड कर दो पर अगर मोटे तौर पे इतना बड़ा प्रभाव नहीं है ना ही उद्देश्य था दूसरे की टेरिटरी में जाना दूसरे के सब्जेक्ट मैटर पर ट्रांसग्रेस करना तो हम कानून को इनवैलिड करार नहीं करते हैं यही पूरा सार है बच्चे डॉक्ट्रीन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का कि हम ऑब्जेक्ट एंड स्कोप को देखते हुए डिटरमाइन करते हैं कि जिस भी विधायिका ने उस कानून को बनाया है वो उसकी कॉम्पिटेंस में गिरता है या नहीं अगर गिरता है तो उसको वैलिड करार करेंगे भले ही उसका छोटा मोटा प्रभाव दूसरे सब्जेक्ट मैटर्स पे पड़ रहा हो ठीक है क्लियर है जैसे ये सब्सटेंस की है पहले मुझे बताओ सब्सटेंस की समझ में आई और अभी तक जो बातें कही वो समझ में आई में वाई टाइप करो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है इसी को बस आपको इलेबोरेट करना है अपनी भाषा में अपने आंसर के अंदर ठीक है क्लियर है सभी लोगों को गौरी मनीष महजवीन प्रेम अमन रवि शालिनी ऋषभ कृतिका महक रुखसार सुजॉन पूर्वा साक्षी दीप्ति, वांशु अंतरा सैयदा अभिमन्यु निशा अभिनंदन पूजा साक्षी शहनाज किरण जगमीत काजल श्रुति निशा सुरभि शिकी किरण अनिल संजय विनीता मिलन शहनाज अनन्या मोना चलो सभी को समझ में आ गया वेरी नाइस आप देखो दूसरी डॉक्ट्रिन बता रहा हूं ये थोड़ी बदमाशी वाली डॉक्ट्रिन है इसको समझना पड़ा जैसे पिथेन सब्सटेंस बड़ी सीरियस बात कर रही थी ये थोड़ी बदमाशी वाली है ये क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन ये क्या है इसका बड़ा देखो बच्चे बड़ा एक लाइन का फंडा है ये बोलता है वॉट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली मतलब जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हो सीधे रूप से नहीं कर सकते हो वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर पाओगे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर पाओगे अब देखो चालाकी क्या होती है कई बार कई बार विधायिकाएं मतलब स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट क्या चालाकी दिखाते हैं कि वो किसी भी कानून को ड्राफ्ट तो इस तरीके से करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको ऊपरी तौर पे पढ़े तो उसको ऐसा लगे कि ये उसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में है जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने की या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कानून बनाने की पर वो चालाकी क्या करते हैं कि लैंग्वेज तो उसकी ऐसी रखते हैं फॉर्मेट तो उसका ऐसा रखते हैं पर उसका जो प्रभाव होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है उस भाषा के अंदर जो छुपा हुआ चीज होती है वो ऐसी होती है कि वो दूसरे के सब्जेक्ट मैटर्स में इंटरफेयर कर रही होती है ऐसा हो सकता है ऐसा हुआ है इनफैक्ट ठीक है तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि ऊपर ऊपर से कुछ दिखाया जा रहा है अंदर अंदर से कुछ और हो रहा है किसी भी कानून के अंदर इसी लेजिस्लेशन को इसी कानून को हम बोलते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन जिसको ऊपर से पोता गया है पेंट किया गया है कुछ और दिखाया कुछ और जा रहा है तो यहां पे बोला जाता है कि अगर कोई चीज आप सीधे तौर पर नहीं कर सकते हो जैसे अगर बोला जा रहा है पार्लियामेंट को कि आप स्टेट लिस्ट के बारे में कानून नहीं बना सकते हो जैसे स्टेट को बोला जा रहा है कि आप यूनियन लिस्ट के बारे में कानून नहीं बना सकते हो तो इस चीज को आप डायरेक्टली तो कर ही नहीं सकते इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते लिपा पोती करके भी नहीं कर पाओगे और करोगे तो क्या परिणाम होगा वही आपका कानून इनवैलिड करार कर दिया जाएगा तो अगर कभी भी ऐसा है कि कोई भी विधायिका किसी कानून को बना रही है और ऐसा दिखा के बना रही है जैसे कि वो अपने ही सब्जेक्ट मैटर्स की लिमिट में है पर असलियत में रियलिटी जब हम देख रहे हैं उस कानून का जब हम सब्सटेंस पढ़ रहे हैं तो साफ साफ पता चल रहा है कि दूसरे के सब्जेक्ट मैटर में घुसने की कोशिश हो रही है उल्लंघन किया जा रहा है दूसरे की सीमाओं का जब ऐसा सिचुएशन होगा तब हम मानेंगे कि कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्री लगेगी और उस कानून को उस हद तक जिस हद तक वो उल्लंघन कर रहा है इस नियम का उसको इनवैलिड करार कर दिया जाएगा बिल्कुल सही कह रहा है प्रेम कि हमको कानून का रीडिंग बिटवीन लाइंस करना पड़ता है उसका मतलब समझना पड़ता है उसका एसेंस समझना पड़ता है ऊपर ऊपर से क्या दिखाया जा रहा है कभी कभी वो काफी मिसलीडिंग होता है और काफी नहीं होता है ठीक है दिस इज डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसको थोड़ा सा दिमाग लगेगा समझने के लिए ध्यान से सुनना आर्टिकल 254 ये यह बात करता है रेपुग्नेसी की सेंट्रल और स्टेट लॉ के बीच में इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा देखो अगर बच्चे कोई भी कानून बनाया गया और उस कानून का कोई भी प्रावधान जिसको एक स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है वो जा रहा है किसी भी कानून के खिलाफ जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है यही बात मैंने अभी आपको शुरू में बताई थी उसको बता रहा हूं आर्टिकल के साथ अगर कभी ऐसी स्थिति हो गई कि सब्जेक्ट मैटर एक ही है अब एक ही सब्जेक्ट मैटर कैसे हो जाएगा वो तभी हो पाएगा जब वो सब्जेक्ट मैटर कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है तो मानो कोई भी एक्स सब्जेक्ट मैटर है और ये एक्स सब्जेक्ट मैटर कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है इसका मतलब क्या है कि इसके बारे में पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकती है अब हुआ क्या कि पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है स्टेट लेजिस्लेचर ने भी कानून बना रखा है अब सिचुएशन यह है कि जो स्टेट लेजिसलेचर ने जो कानून बनाया है वो अगेंस्ट जा रहा है पार्लियामेंट वाले कानून के जब ये क्लैश होगा तो हमेशा पार्लियामेंट ही जीते है, जब भी क्लैश होगा किसी भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून ही जीतेगा पर एक तरीका है एक तरीका है जब स्टेट भी जीत सकती है क्या है वो तरीका अगर ऐसी स्थिति बने या लगे कि बनेगी आगे अगर आप उस स्टेट वाले लॉ को उस राज्य वाले कानून को रिजर्व कर लो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए मतलब उसको प्रेसिडेंट को दिखा दो और प्रेसिडेंट अपनी हामी दे दे कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ये कानून बना रहे हो ये पार्लियामेंट से थोड़ा सा अलग है चलो पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रेसिडेंट ऑब्वियसली जब वो एसेंट देगा तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड उन्हीं की एड और एडवाइस पे देगा अगर बच्चे ऐसा सिचुएशन बनता है याद रखना हमेशा वो जो स्टेट का लॉ है भले ही वो खिलाफत करे पार्लियामेंट के लॉ की उसके अगेंस्ट जाए थोड़ा बहुत फिर भी वो स्टेट का लॉ सरवाइव कर जाएगा फिर भी वो सरवाइव कर जाएगा तो कहने का मतलब है नॉर्मल रूल तो यही है कि अगर ये प्रेसिडेंट वगैरह की एसेंट नहीं ली है और क्लैश हो रहा है किसी भी लिस्ट के के सब्जेक्ट मैटर ऊपर तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून ही जीतेगा क्लियर कट बट बट अगर सिचुएशन ऐसी है कि उस उस लॉ को स्टेट लॉ को पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए रिजर्व किया गया था और उसे प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई है तो फिर उस स्टेट लॉ को हम लोग नहीं हटाएंगे उसे माफ कर देंगे भले ही उसमें कुछ प्रावधान पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जा रहे हो तो जहां तक उस राज्य की बात है उस राज्य में वही कानून लागू रहेगा जो उस स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है भले ही वो थोड़ा बहुत अलग है पार्लियामेंट वाले कानून से ठीक है पर इसमें भी एक और चालाकी कर सकता है पार्लियामेंट मानो ऐसा हुआ था उस स्टेट लॉ के बारे में असेंट ले ली गई थी पर आगे चल के पार्लियामेंट को लग रहा है यार ठीक है बेकार में दे दी असेंट नहीं देनी चाहिए थी पूरे देश में एक ही कानून लगते हैं क्यों हम इस किसी भी स्टेट को अलाउ कर रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट लॉ रखने के लिए सेम सब्जेक्ट मैटर के बारे में तो पार्लियामेंट को ज्यादा परेशान नहीं होना पार्लियामेंट क्या आकर एक नया लॉ ले आएगी उसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में नया लॉ ले आएगी और जैसे ही वो नया लॉ आएगा ऑटोमेटिकली अगर वो स्टेट लॉ वाल जो होगा जो क्लैश कर रहा है वो अपने आप ही उस हद तक इनवैलिड हो जाएगा तो एक बार प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट देने का मतलब यह नहीं है हमेशा के लिए वो स्टेट का इम्यून हो गया कल को कभी भी अगर पार्लियामेंट उसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में नया कानून ले आती है तो फिर वही स्थिति हो जाएगी स्टेट लॉ की कि वो उस हद तक जिस हद तक वो नए कानून के खिलाफ जा रहा है वो इनवैलिड हो जाएगा अगर बचाना है तो दोबारा से असेंट मांगो वरना गया ठीक है समझ में आ गया ये आर्टिकल उम्मीद है समझ में आ गया होगा बस दो बातें याद रखनी है क्लैश की स्थिति में हमेशा पार्लियामेंट जीतेगी बस प्रेसिडेंट की असेंट ना ली हो बस ये दो बातें याद रखनी है अब देखो मैं कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको पढ़ाऊंगा चार पांच सिचुएशंस पढ़ाऊंगा जहां पर पार्लियामेंट के पास पावर है उन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में लॉ बनाने की जो स्टेट में स्टेट की लिस्ट में गिरते हैं अब आप सुन कि सर आप क्या करे जा रहे हो एक के बाद एक नया सरप्राइज नया सरप्राइज तब से कह रहे हो कि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के बारे में बनाएगी और स्टेट स्टेट लिस्ट के बारे में बनाएगी ये बात बिल्कुल ठीक है नॉर्मल सिचुएशन में ये बात बिल्कुल ठीक है पर फिर भी हमारे भारतीय संविधान के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं बच्चों जिसके अंदर पार्लियामेंट को ये परमिशन दी जाती है कि किसी भी राज्य के संबंध में भले ही उस राज्य के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर हो उस राज्य के संबंध में वो उन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में भी कानून बनाए जो स्टेट लिस्ट में गिरते हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है वो सिचुएशन क्या है वही बताऊंगा बारी बारी से जैसे सबसे पहली जो सिचुएशन है वो है आर्टिकल टू में लिखी है और इसमें बोला जाता है कि अगर राज्यसभा अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे अपनी टू थर्ड मेजोरिटी के साथ प्रेजेंटेंट वोटिंग कि उसको लग रहा है कि ये जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां से एमसीक्यू बनेगा नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर के संबंध में जो भले ही स्टेट लिस्ट में गिरता है पार्लियामेंट कानून बनाए उसके बारे में तो ऐसा पॉसिबल होगा पार्लियामेंट के लिए करना अब देखो दो बातें समझनी है इस आर्टिकल को समझने से पहले पहली बात ये राज्यसभा क्या है बच्चे जैसे लोकसभा तो मैंने बताया था आप लोगों को दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हम लोग डायरेक्टली उनको इलेक्ट कर रहे हैं राज्यसभा क्या है राज्यसभा इज अ बॉडी जो रिप्रेजेंट कर रही है राज्यों को क्योंकि राज्यसभा के जो भी लोग हैं इलेक्टेड जो लोग हैं वो सारे राज्यों से ही चुन के आ रहे हैं राज्यों की ही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर उनको चुन रहे हैं राज्यसभा के मेंबर्स को तो राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स के इंटरेस्ट को सही बात है अगर कभी भी राज्यसभा को ऐसा लगे कि, कि किसी भी राज्य के संबंध में या एक से ज्यादा राज्यों के संबंध में या फिर सभी राज्यों के संबंध में जो भी सिचुएशन राज्यसभा को ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसा मुद्दा है कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो भले गिर तो स्टेट लिस्ट में रहा पर उसके बारे में कानून पार्लियामेंट को बनाना चाहिए और ऐसे लगने की वजह यह नहीं है कि दिमाग में आया सपने में आया तो मैं रेजोल्यूशन पास कर दूंगा नहीं लगने की वजह कुछ ऐसी है कि नेशनल इंटरेस्ट पिक्चर में आ रहा है मतलब देश के हित में होगा ऐसा करना कि पार्लियामेंट कानून बनाए उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में देश के हित में होगा ऐसा अगर ऐसा रेजोल्यूशन राज्यसभा पास कर दे और पास करना आसान नहीं होगा क्योंकि हम लोग मांग रहे हैं स्पेशल मेजोरिटी टू थर्ड दो तिहाई लोग और दो तिहाई टोटल मेंबरशिप के नहीं दो तिहाई उन लोगों के जो प्रेजेंट हैं और वोट डालने आए तो जितने भी लोगों ने वोट डाला उनका दो तिहाई लोग हाँ बोले उस रेजोल्यूशन के संबंध में तब जाके ये आर्टिकल टू पिक्चर में आएगा तब जाके पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर उन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में जो स्टेट लिस्ट में गिरते हैं कानून बना पाएगी कानून बना पाएगी समझ में आया मैंने क्या बोला तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो ये पहली सिचुएशन है जहां पर पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है उन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में जो स्टेट लिस्ट में करते हैं दूसरी सिचुएशन आर्टिकल 250 ये सिंपल था ये आपको समझ में आ जाए अगर मानो बच्चे हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है इमरजेंसी हम लोग कल के ही क्लास में पढ़ेंगे आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है अगर ऐसी सिचुएशन है, तो ऑटोमैटिकली पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो कानून बना सकता है उन सभी सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में जो स्टेट लिस्ट में गिरते हैं क्योंकि इमरजेंसी का मैंने बोला ना कि हमारा है तो फेडरल सिस्टम पर उसके यूनिटरी ब्यास है यूनिटरी फीचर्स हैं उसके अंदर जैसे कि इमरजेंसी का एक प्रोविजन है इमरजेंसी के समय में हमारा देश फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल भूल ही जाता है सब कुछ यूनाइटेड हो जाता है और सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ में आ जाता है तो अगर इमरजेंसी की स्थिति है तो बेटा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है पार्लियामेंट के पास बाई डिफॉल्ट पावर आ जाती है सभी सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में कानून बनाने की फिर वो चाहे यूनियन लिस्ट के अंदर हो फिर वो चाहे स्टेट लिस्ट के अंदर हो फिर वो चाहे कंकरेंट लिस्ट के अंदर ही क्यों ना हो इमरजेंसी वाली सिचुएशन ठीक है पर एक बात याद रखना ये जो कानून बनाएगी ना पार्लियामेंट इमरजेंसी के समय पे उन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में जो स्टेट लिस्ट में लिखे हुए हैं वो परमानेंट कानून नहीं होंगे उनकी बड़ी लिमिटेड वैलिडिटी होगी वो कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे बिना कुछ किए जैसे ही इमरजेंसी को खत्म हुए छह महीने पूरे होंगे अपने आप यू नीड टू डू एनीथिंग तो इमरजेंसी खत्म हुई जिस भी दिन उस दिन से छह महीने की गिनती शुरू हो जाएगी और जैसे ही छह महीने पूरे होंगे बेटा ध्यान से समझ लेना जैसे ही छह महीने पूरे हुए तो वो जो लॉ है वो ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगा जो पार्लियामेंट ने बनाया था स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इमरजेंसी के द्वारा ठीक है ये है हमारा दूसरा सिचुएशन आर्टिकल 250 इसी से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 357 इसमें भी वही बात है लगभग जो अभी हमने पढ़ी 250 के अंदर कि पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कानून बनाने की उन सभी मुद्दों के बारे में जो स्टेट लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं अगर उस राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं पर भारतीय संविधान में प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है ठीक है तो क्या फर्क हुआ पिछले आर्टिकल में और इस आर्टिकल में कि जहां एक तरफ आर्टिकल 250 नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है कल अगर फर्क नहीं समझ में आ रहा तो कल समझ में आ जाएगा तो जहां आर्टिकल 250 नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है आर्टिकल 357 स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहा है प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा है तो अगर किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट का रूल लगा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां की विधायिका तो गई गई ऑब्वियसली तो उस सिचुएशन में भी पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है उन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में कानून बनाने की जो स्टेट लिस्ट में गिरते हैं अगर प्रेसिडेंट रूल की सिचुएशन तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 250 प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 357 लॉजिक दोनों का ही सेम है अगली परिस्थिति है आर्टिकल 252 टू इसको ध्यान से देखो यह बड़ा मजेदार है अगर दो या दो से ज्यादा राज्यों के लेजिस्लेचर्स लेजिस्लेटिव असेंबली आपस में मिलके ऐसा रेजोल्यूशन पास कर लें अपने अपने सदनों के अंदर कि किस कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो स्टेट लिस्ट में गिर रहा है उनके संबंध में कानून जो है पार्लियामेंट बना दे अब ऐसा होना बड़ा सरप्राइजिंग है पर ऐसा हो सकता है इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल 252 इस बात का प्रावधान बनाता है क्या कहता है आर्टिकल 252 आर्टिकल 252 बच्चों ये बच्चों कह रहा है कि मानो कोई सब्जेक्ट मैटर है जो स्टेट लिस्ट में गिर रहा है पर किन्ही वजह से कोई भी दो राज या दो से ज्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में अपने अलग अलग कानून बनाए उससे बढ़िया है कि इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में पार्लियामेंट से ही कानून बनवा लेते हैं और उनको बस इतना सा करना है कि अपने अपने सदनों के अंदर रेजोल्यूशन पास करना है सिंपल सा अगर ऐसा हो गया तो ऑटोमेटिकली उन राज्यों के संबंध में जिन राज्यों ने वो रेजोल्यूशन पास किया है दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं है, दस भी हो सकते हैं जितने भी हैं उन सभी के संबंध में उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो भले ही स्टेट लिस्ट में है पार्लियामेंट कानून बना सकेगा पार्लियामेंट कानून बना सकेगा कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल 252 समझ में आया आई पिक्चर क्लियर हुई थोड़ी बहुत हाँ अगला जो सब्जेक्ट मैटर है वो है आर्टिकल 250 आपको लग रहा होगा सर बारी बारी से बारी बारी से आप पढ़ाए जा रहे हो पढ़ाए जा रहे हो पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है तभी इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए और आपको एग्जाम में परेशान ना होना पड़े आर्टिकल टू को देखो आर्टिकल 253 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में कानून बनाने की भले ही वो स्टेट लिस्ट में क्यों ना हो अगर उस कानून को बनाना जरूरी है ध्यान से सुनना अगर उस कानून को बनाना जरूरी है किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट को लागू करने के लिए मानो कोई भी ट्रीटी हमने की किसी भी दूसरे देश के साथ या किसी भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ या कोई भी एग्रीमेंट किया इन ट्रीटीज को लागू करना केंद्र की जिम्मेदारी होती है अब हो ऐसा रहा है कि जो प्रोमिस हमने किए हैं किसी ट्रीटी या एग्रीमेंट के अंदर वो ऐसे हैं कि उनके बारे में अगर कानून बनाना है तो वो स्टेट सब्जेक्ट मैटर में गिर रहा है स्टेट लिस्ट का पार्ट है तो ऐसा नहीं है कि केंद्र पावरलेस है कि वो उस एग्रीमेंट को या उस ट्रीटी को लागू ही नहीं कर पाएगा या हाथ जोड़ता फिरेगा हर एक राज्य की कि वो कानून बना दे क्योंकि उसे वो ट्रीटी लागू करनी है नहीं 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 अगर कोई भी कानून लाना जरूरी है भले ही वो कानून ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में क्यों ना हो जो स्टेट लिस्ट में गिरता है बस वो जरूरी है किसी भी ट्रीटी या एग्रीमेंट को लागू करने के लिए बच्चों अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है सिंपल सी बात यह है बस पार्लियामेंट को दिखाना है कि वो लॉ बनाना जरूरी था किसी भी ट्रीटी या एग्रीमेंट को लागू करने के लिए ट्रीटी का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज के संबंध ठीक है क्लियर है ये बच्चे हमारी समाप्ति हुई लेजिस्लेटिव रिलेशन की तो रेल, लेजिस्लेटिव रिलेशन वाला जो एरिया है वो हम लोगों ने कवर कर लिया एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूं वो सिचुएशंस जहां पे पार्लियामेंट लॉ बना पा रही थी स्टेट सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में ठीक है आर्टिकल 249 राज्यसभा वाला सिचुएशन आर्टिकल 250 इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी 357 स्टेट इमरजेंसी वाला सिचुएशन 252 की लेजिस्लेचर खुद लेजि रेजोल्यूशन पास कर रही थी दो या दो से राज्यों की और आखिरी में ट्रीटी और एग्रीमेंट वाला सिचुएशन ठीक है ये तो हो गया बच्चे लेजिस्लेटिव रिलेशंस का डिस्कशन जिसमें हमने समझ लिया कि भाई तीन लिस्टें हैं सब्जेक्ट बटे हुए हैं बस कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जहां पे क्लैश हो जाता है क्लैश हो जाता है तो सब्सटेंस काम करती है कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्टर काम करती है और उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हैं जहां पे पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकती है भले ही वो सब्जेक्ट मैटर लिस्ट के अंदर गिरता हो और वो सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने समझे अब मैं आपको लेके चल रहा हूं बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की तरफ और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को समझना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाना एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना काफी रहेगा आपके लिए इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 256। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का मतलब क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन मतलब है एग्जीक्यूटिव से जुड़े हुए मतलब कानून को लागू करने वाली बातें अभी तो कानून को बनाने वाली बातें थी लेजिस्लेटिव रिलेशन के अंदर कि कौन कानून बनाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में कानून कौन लागू करेगा कैसे लागू करेगा उसका क्या प्रभाव होगा वो सारी बातें होती है है यहां पे बोला जा जा रहा है, आर्टिकल 256 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है। कि जब भी कोई राज्य अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करेगा कानून लागू करने की पावर्स को एक्सरसाइज करेगा उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो ध्यान रखे कि वो किसी भी तरीके से पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन ना करें यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राज्यों की मतलब जब भी कोई भी राज्य अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करता है भले ही उन सब्जेक्ट मैटर्स के रिलेशन में हो जो स्टेट लिस्ट में गिर रहे हैं फिर भी वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का उल्लंघन हो यह बहुत बड़ी लिमिटेशन है और जहां तक यूनियन की बात है केंद्र की बात है उसके बारे में लिखा है कि केंद्र की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें ये तक आ जाता है कि वो सीधे तौर पर राज्यों को निर्देश दे सकता है डायरेक्शन दे सकता है जो भी उसको जरूरी लगे अब यहीं पे वो वाली बात आ जाती है ना क्वाजी फेडरल बोलते हैं जो यही कुछ वजह है जिन वजहों से बोलते हैं कि हम लोग प्योर फेडरल सिस्टम नहीं है हम लोग अपर हैंड हमेशा केंद्र को देते ही देते हैं बच्चों देते ही देते हैं कैसे दे रहे हैं एक तरफ बोल रहे हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोई भी पार्लियामेंट के लॉ को वायलेट नहीं करेगा और दूसरी तरफ ये पावर दे रहे हैं यूनियन को कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते वक्त तो राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है जो भी उसको जरूरी लगे तो सीधे तौर पर बड़े भाई का रोल है केंद्र का और राज्य है छोटे भाई ठीक है बराबरी का मामला नहीं है दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 263 के अंदर यहां से एमसीक्यू बन जाता है आर्टिकल 263 के अंदर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि अगर वो चाहें तो क्या बना सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल इस शब्द को याद रखना इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है इंटर स्टेट में, में, तो काउंसिल को सेटल करने की कोशिश करती है उनके बारे में इंक्वायरी करती है कि क्या वजह हुई और जब डिस्प्यूट का पता चल जाता है तो उसके संबंध में राय देती है कि कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए और क्या करती है इंटरस्टेट काउंसिल ये देखती है कि हम लोग सारे राज्य और राज्य और केंद्र कैसे कॉमन इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं क्योंकि हम हैं तो एक ही देश का हिस्सा आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो देश का ही नुकसान है तो कैसे हम मिलजुल के कॉमन इंटरेस्ट पे काम कर सकें जहां पे केंद्र का भी अच्छा हो राज्यों का भी अच्छा हो और तीसरी इंपॉर्टेंट काम है इंटरस्टेट काउंसिल का कि ये रिकमेंडेशन जारी करती है कि हम लोग कैसे बेटर कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं आपस में राज्य आपस में एक दूसरे के साथ और राज्य एक तरफ केंद्र एक तरफ तीनों ही जो जिम्मेदारियां हैं बच्चे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं किसी भी फेडरल कंट्री के अंदर केवल फेडरल कंट्रीज बना देना कई सारे राज्य बना देना काफी नहीं होता है आपको यह भी एंश्योर करना होता है कि उनमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रहे समन्वय रहे ठीक है क्लियर है इंटर स्टेट काउंसिल का काम यही होता है कि वो डिस्प्यूट्स को सेटल आउट करे कॉमन इंटरेस्ट के ग्राउंड्स को खोजे और बेटर कोऑर्डिनेशन के संबंध में रिकमेंडेशन करे ठीक है क्लियर है अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने तीसरे सेगमेंट पे जो है फाइनेंशियल रिलेशन फाइनेंशियल रिलेशन में कुछ आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है इसमें देखो एक तो आर्टिकल है 265 ये बड़ी सीधी सी बात बोलता है पर बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलता है ये बोलता है कि कोई भी टैक्स कोई भी कर किसी भी प्रकार का हमारे देश के अंदर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उसके संबंध में कानून ना हो तो कहने का मतलब है टैक्सिंग ऑथोरिटी तो है कुछ टैक्स लगाने की पावर केंद्र के पास है कुछ टैक्स लगाने की पावर राज्यों के पास है यह बात बिल्कुल सही है पर कोई भी कर लगाने से पहले कोई भी टैक्स लगाने से पहले बच्चों जिम्मेदारी होती है कि उसके संबंध में एक सही कानून लाया जाए और उस कानून के तहत ही उस कर को लगाया जाए अगर ऐसा नहीं है तो आपका आर्टिकल टू सिक्सटी फाइव सीधे तौर पर उस कर को उस टैक्स को इनवैलिड करार कर देगा क्योंकि यह सीधे तौर पर बोलता है कि हमारे देश के अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि वो सपोर्टेड ना हो अथॉरिटी ऑफ लॉ हां जैसे कि जीएसटी और जीएसटी इज वन ऑफ द देयर थाउजेंड्स ऑफ लॉ जो टैक्स को रेगुलेट करते हैं ठीक है और इसके अलावा देखो फाइनेंशियल रिलेशन में आपको बस दो फंड समझने हैं एक होता है कंसोलिडेटेड फंड कंसोलिडेटेड फंड और एक होता है बच्चों कंटिंजेंसी फंड कंटेजेंसी फंड केंद्र में भी राज्यों में भी इन दोनों में फर्क समझ लो बस कंसोलिडेटेड फंड एक ऐसा फंड है जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है पैसे को लाने के लिए और देने के लिए जैसे आपका वॉलेट है तो उसकी जो मेन पॉकेट है वो है कंसोलिडेटेड फंड तो जो भी पैसा आपके पास आता है आप उसी चेन में डालते हो जो भी पैसा जाता है आप उसी चेन से निकालते हो तो जो भी टैक्सेस आ रहे हैं जो भी इनकम हो रही है या फिर जो भी खर्चे हो रहे हैं ये सब कंसोलिडेटेड फंड से करता है केंद्र केंद्र अपने कंसोलिडेटेड फंड से और राज्य अपने से कंटिजेंसी फंड इमरजेंसी वाली पॉकेट है जो वॉलेट के अंदर आप वो छोटी सी जेब में पांच का नोट या हजार या दो का नोट जो फंसा के रखते हो ये वो है ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता है पर जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए ऐसी परिस्थिति हो जाए जहां पे पैसे की दिक्कत हो गई है तब इस कंटिजेंसी फंड को इस्तेमाल किया जाता है और कंटिजेंसी फंड के बारे में प्रेसिडेंट के पास अप्रोप्रिएट पावर होती है बस इतनी सी समझने की बात है कि बाई चांस आपसे पूछ ले लेक्यूस में तो आपको कंफ्यूजन ना हो ठीक है तो हम लोगों ने समझ लिया लेजिस्लेटिव रिलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन अब बच्चे में आप लोगों को दो केसेस पढ़ाने वाला ये दो केसेस उन्हीं लेजिस्लेटिव रिलेशंस वाले टॉपिक से हैं पिथ एंड सब्सटेंस वाली जो डॉक्टर मैंने आपको बताई उसी पे और क्लैरिटी देते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा आएगा तो इस पॉइंट से आएगा देखो कौन से केस हैं पहला केस है प्रफुल्ला कुमार काफी पुराना केस है वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना 1947 का केस है और प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है ठीक है ये बोलता है इस जजमेंट में ये नोटिस किया गया कि हम चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, कितनी भी लिस्टें बना लें एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन बनाना राज्य के सब्जेक्ट मैटर्स में और केंद्र के सब्जेक्ट मैटर्स में पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि जब ये कानून प्रैक्टिकैलिटीज में अप्लाई होते हैं तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन अराइज होती हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनके बीच में क्लैश ना हो ओवरलैप ना हो, होगा ही होगा क्योंकि ऐसा होगा ही इसलिए जो हमारी पिथेन सब्सटेंस की डॉक्ट्रिन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी कानून को हमें इनवैलिड करार करना है या नहीं करना है इसलिए ये बहुत जरूरी है हम ये समझे कि पेथेन सब्सटेंस की जब डॉक्टरीन को हम लगाते हैं तो हम किसी भी कानून के ध्यान से देखना ऑब्जेक्ट को देखते हैं स्कोप को देखते हैं और इफेक्ट को देखते हैं किस किस को देखते हैं उसके उद्देश्य को उसके दायरे को और उसके प्रभाव को और ये जो तीनों चीजें हैं जब तीनों को हम लोग राइट कॉन्टेक्स में रखते हैं तब हमको पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में कानून किस सब्जेक्ट मैटर में गिर रहा है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर में, में है सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर में और उसी हिसाब से हम अपना फैसला दे सकते हैं कि, कि किसी कानून को हमें इनवैलिड करार करना है या नहीं तो कहने का मतलब है क्लैश तो होगा हो ही होगा कितना भी डिटेल में चले जाओ क्लैश तो होगा ही होगा यू कांट स्टॉप इट तो अगर उसको रोक नहीं सकते तो कम से कम पिथेन सब्सटेंस की डॉक्टरी लगा के हम कानूनों को अननेसेरीली इनवैलिड करार होने से तो बचा ही सकते हैं इस डॉक्टरिन को लगा के ऑब्जेक्ट स्कोप और इफेक्ट का इस्तेमाल करके ठीक है दूसरी जो जजमेंट है बच्चे वो है जावेद वसी स्टेट ऑफ हरियाणा ये दो की जजमेंट है इस जजमेंट को मैंने क्यों डाला है अभी आपको समझ में आ जाएगा यहां पे बोला जा रहा है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो केंद्र को भी और राज्यों को भी जो जरूरी ऑटोनॉमी है जो आजादी है वो उनको देता है अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में बिल्कुल देता है हम लोग किसी भी कानून को जो किसी भी राज्य सरकार ने बनाया है उसको डिस्क्रिमिनेटरी करार नहीं कर सकते हैं केवल इस वजह से कि बाकी के राज्यों ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है या फिर केंद्र अभी तक ऐसा कोई कानून लेके नहीं आया है काफी प्रैक्टिकल बात बोली गई है यहां पे देखो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यार ये बातें सारी ठीक हैं कि लिस्ट अलग अलग है ये बातें भी ठीक है कि कई बार ऐसी सिचुएशन है कि पार्लियामेंट को अपर हैंड दिया गया है पर एक बात याद रखना जितना भी स्पेस हमने किसी भी राज्य के लिए क्रिएट किया है लेजिस्लेटिव रिलेशन के अंदर वो उसका स्पेस है उसमें आप इंटरफेयर नहीं करो अगर कोई भी कानून कोई राज्य बना रहा है हम उस कानून का डिस्क्रिप्ट उसको हम इनवैलिड करार नहीं कर देंगे केवल इस वजह से कि और किसी राज्य ने तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है या फिर पार्लियामेंट ने तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है अगर लोगों ने कुछ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनी है खुद चुनी है डायरेक्ट इलेक्शन में अब उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सरकार बैठी है उसको कोई कानून लाना जरूरी लग रहा है तो वो ला सकता है ना और अगर वो ला रहा है तो केवल इस वजह से कि बाकी की राज्य सरकारें तो नहीं ला रही या फिर केंद्र तो नहीं ला रहा हम उसको इनवैलिड करार नहीं कर सकते हैं वो आजाद है अपने उस लिमिटेड स्पेस के अंदर। तो कहीं हम इस खींचतान में इतने ना खो जाए कि राज्यों के अंदर राज्यों के पास कोई रियल पावर रही ना जाए लेजिस्लेट करने की ये एसेंस है इस जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जजमेंट का 2003 की क्लियर है समझ में आ गया चल अब आ जाओ बेटा क्वेश्चंस पे दिल वेरी लास्ट सेगमेंट एक बार मुझे बता दो चैट बॉक्स में अभी ऑल क्लियर सोफा जो भी कुछ हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव रिलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन फाइनेंशियल रिलेशन दोनों केसेस प्रफुल्ल कुमार और ये जावेद वाला अभी ऑल क्लियर दीपिका सुरभि शिवी जगमीत श्रुति शिकी साक्षी सलोनी प्रेम अभिमन्यु काजल सुजॉन लक्ष्मी अमन साक्षी ऋषभ श्रुति सलोनी स्नेहा कोमल किरण काजल महजबीन, रजत आकांक्षा अभिमन्यु विनीता सूरज द्रिया रवि राहुल मधुसूदन, एकता, रवि वर्मा, शालिनी रजत तनीषा नीलेश रुखसार आरती सूरज दुबे रवि वर्मा, हेमंतनाथ साक्षी मिश्रा शहनाज मनीष शालिनी श्रद्धा श्रेया चलो लगभग सभी को क्लियर हो गया है थैंक यू सो मच बच्चों ने आंसर भी देने लगे क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पढ़ने तो दो चलो फर्स्ट क्वेश्चन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर गिवेन पार्ट टेन पार्ट इलेवन पार्ट ट्वेल्व पार्ट थर्टीन भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है भाग दस भाग ग्यारह भाग बारह भाग तेरह बताओ बताओ भाई आसान है हेमन शिवम अमन पूर्वा लक्ष्मी शिवी कोमल एकता महक सुजोन आरती पूर्वा रवि जगमी सलोनी मधुसूदन शिवी आरती हार्दिक ऋतिक सभी ने सही दिया वेरी गुड वेरी नाइस पार्ट इलेवन इज दी राइट आंसर मैंने पहली स्लाइड में दिखाया था आपको दूसरा क्वेश्चन अ रेजोल्यूशन पास अंडर क्लॉज वन ध्यान से देखना क्लॉज वन ऑफ आर्टिकल टू फोर्टी नाइन शेल रिमेन इ पहले याद करो आर्टिकल 249 कौन सा था वही राज्यसभा वाला राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर रहा था कि पार्लियामेंट कानून बनाए किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में अब मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी जानपूझ के क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पूछनी थी कि वो जो रेजोल्यूशन पास करती है राज्यसभा क्या वो हमेशा के लिए लागू होता है कि एक बार परमिशन दे दी तो हमेशा कानून बना सकेगा पार्लियामेंट या उसकी कोई वैलिडिटी होती है और अगर वैलिडिटी होती है तो कब तक की होती है एक महीना तीन महीना छह महीना एक साल बताओ पढ़ाए कि नहीं अनुच्छेद दो के खंड एक के तहत पारित एक प्रस्ताव अधिकतम अवधि तक लागू रहेगा एक महीना तीन महीना छह महीना एक वर्ष बताओ सी सी सी, सी सुर काजल सूरज प्रेम रजत पूर्वा, आरती सुजान कुछ बच्चे सी दे रहे हैं कुछ बच्चे डी दे रहे हैं ऐसा क्यों है सी <laughs> या फिर डी सी <laughs> चलो भाई मान लेते, लेते हैं आपकी बात मान लेते हैं मान लें कि डी माने बताओ सी 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 चलो आप ही डिसाइड कर लो आपस में सी या फिर डी और सोचो बताते हैं अगला क्वेश्चन हु अमंग टू एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की पावर किसके पास है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा में से किसे अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार है संसद राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री ये वाला तो आसान है हाँ <laughs> पार्लियामेंट कह दो कोई तो संसद अजाब भी बच्चे सी कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष वाह क्या क्लास अटेंड किया मैंने चलो वेरी गुड राष्ट्रपति इसका आंसर क्या है प्रेसिडेंट ठीक है अब देखना ये वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है इसको देखो सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया आर डिपेंडेंट अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कन्वेंशन एंड प्रैक्टिस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मकैनिज्म फॉर डायलॉग बताना है किस पे निर्भर करती है केवल पहले और दूसरे पे केवल पहले दूसरे और तीसरे पे या फिर केवल दूसरे तीसरे और चौथे पे या फिर चारों पे ध्यान से भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है संवैधानिक प्रावधानों पे परंपराएं और प्रथाओं पे न्यायिक व्याख्याओं पे संवाद के लिए जो तंत्र है उस पर केवल एक और दो एक दो तीन दो तीन, दो तीन चार या अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा आप देखते हैं कि कौन कितना स्मार्ट है बी, बी, बी दे रहे हो, एक दो तीन अच्छा ये इस पे ये लग रहा है कि ये तो है ही है ना ये भी लग रहा है है है, ये भी लग रहा है कि ये भी है किसी को ये नहीं लग रहा है ये नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म फॉर डायलॉग इसका कोई रोल नहीं है इंडस्ट्रिय रिलेशन में फिर क्यों बनाई आपने काउंसिल इंटरस्टेट काउंसिल बनाई क्यों है जब डायलॉग का बातचीत का कोई स्कोप ही नहीं है तो अरे बेटा डी है इसकी भी तो इंपॉर्टेंस है ये भी तो डिटरमाइन करेगी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप अरे भाई रिकमेंडेशन देंगे बेटर कोऑर्डिनेशन की किस पे आधार पे देंगे डायलॉग के आधार पर ना डी होगा राइट right आंसर ठीक है अब देखो लास्ट क्वेश्चन अजर्शन रीजन वाला है देयर हैज बीन अ ग्रोइंग डिमांड

दावा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा की मांग बढ़ रही है कारण राज्यों के पास विकासात्मक विकासा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है दोनों सही हैं पर जो आर है वो सही रीजन है सही वजह है दोनों सही हैं पर आर सही वजह नहीं है ए सही है आर गलत है ए गलत है आर सही है बताओ भाई लगाओ दिमाग कंफ्यूजन तो होगा ही मैंने सोचा है कंफ्यूजन तो कंफ्यूज तो करना ही है मेरे को सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को रिव्यू करने की डिमांड तो हमारे देश में पहले दिन से हो रही है क्योंकि किसी को नहीं पसंद आता वो जो क्वाजी फेडरल वाला जो मतलब होता है ना कि आप यहाँ तो फेडरल हो लो या यूनिटरी हो लो तो ये तो पक्का सही है इसमें तो गलत है ही नहीं मामला मेन मामला ये है कि क्या वजह यह है कि राज्यों के पास सफिशियंट रिसोर्सेस नहीं है सफिशियंट पैसा नहीं है इसलिए हम बोलते हैं हमें यह पता लगाना है ये वजह सही है या नहीं आंसर ए या बी में से है इतनी हिंट दे रहा हूं तो सीडी तो नहीं है बेटा बात दोनों ही सही है अब आर सही वजह है या नहीं आर सही वजह है आर बिल्कुल सही वजह है राज्यों के पास एडिक्यूट रिसोर्सेस ना होना बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग मांगते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे दोबारा से विचार किया जाए इसी के साथ बच्चे हमारा आज का सेशन खत्म होता है आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो तो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो ये पीपीटी और बाकी का कंटेंट वगैरह सब यहीं पे जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना है तो आपकी मर्जी आप कर सकते हो बिल्कुल और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया बच्चे होली सेल आ गई है बहुत बढ़िया मौका है अगर आपको फुल फ्लैजेड तैयारी शुरू करनी है क्योंकि ये बैच भी सत्ताईस मार्च से ही शुरू होने वाला है क्लासेस भी इसकी शाम को होती हैं चार से आठ और मात्र बाईस हजार रुपए में मिल रहा है एक साल का कोर्स जिसमें पूरी तैयारी होगी एवरीथिंग योर एंटायर प्रिपरेशन मेजर माइनर लोकल लैंग्वेज सब कुछ अभी लाइव अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको ये डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी मेंटोरशिप में आ जाओगे तो अगर मेरे साथ आपको तैयारी करनी है तो इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा बाकी आप लोगों की मर्जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए बाकी मैं सब लोगों को कल मिलूंगा साढ़े आठ हाँ बजे और हमारा जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ेगा कल मैं आपको बच्चे एक तो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट बताऊंगा सिटीजनशिप से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी तो सी वगैरह हुआ है तो बहुत चांसेस और बढ़ गए हैं और दूसरा इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनको बताऊंगा और अगर समय बचा तो ट्रेड से संबंधित ट्रेड बिजनेस वगैरह से संबंधित जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है उनको भी आपको कल कवर कर दूंगा बाकी थैंक यू सो मच बाकी मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं कल ठीक है साढ़े आठ बजे तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय